दिल्ली में पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लिया वापस। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनकारी किसानों को राहत देते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही है। हालांकि पिछले लगभग एक साल से धरने पर बैठे किसान अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। आंदोलनरत किसानों का कहना है कि पीएम मोदी द्वारा किए गए फैसले से किसान खुश हैं, लेकिन किसान तब तक अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे जब तक कृषि कानून की वापसी के फैसले पर संसद में कानूनी रूप से इसे पारित नहीं कर दिया जाता। आंदोलनकारी किसानों ने दो टूक शब्दों में कहा कि वह अभी आंदोलन से नहीं हटने वाले हैं। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। गुरु नानक पर्व पे आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही है, जिसको लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पे, जहां कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे क्या अब मेरा नाम मनखून है जी, गांव थुआ खाप जिला जी। आज तीनों कृषि कानून की वापस लेने की बात करी है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, इसको किस तरह देखते हैं? इसको किस तरह देखते हैं जी, ये कानून उल्टे लेगा, लिखित रूप में दे देगा, हम उठ के चले जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे। अच्छा जी, और इसका धन्यवाद है मोदी का, जो गुरु नानक जी की जयंती पे सुना है। छत्र सिंह जी, तो आज ये कृषि कानून को वापस लेने की बात कही है, एक साल होने को आ गया है, इसको किस तरह रखेंगे, आगे की क्या रणनीति आएगी? सर ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, इसको पार्लियामेंट सेशन बुला कर ना लीगलाइज किया जाए, तभी किसान संतुष्ट होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है ना एमएसपी की लिखित गारंटी, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा, और जो किसानों पर केस डाले गए हैं वो वापस ले, ये हमारी खास मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वापिस बिल लेने के बाद घर वापसी की बात कही, किसानों से मांग करी कि वो घर वापस जाएं, तो उसको लेकर क्या आप वापस जाएंगे? वापस कभी तक नहीं जाएंगे जब तक वो ये कानून रिपील नहीं होता नहीं और रिटर्न में नहीं देते ना एमएसपी की गारंटी वगैरह, तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। जैसे इसने संसद बिठा कर कानून लागू करे देने, वैसे उल्टी संसद बिठा कर उल्टे वापिस करेगा, लिखित रूप में देगा, जी किसान जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे। तो आपने सुना किसानों का क्या कहना है कि जब तक लिखित रूप में संसद में इसको खारिज नहीं किया जाता तब तक किसान यहीं बैठे रहेंगे, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24।